रिमी तो आ रहे हैं ना? ओ भाई, पता नहीं कैसे आ रहा है, छोड़ो। ओ कहाँ थे? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पता नहीं मैं फ्रेम में आ रहा हूँ कि नहीं, एक बार मेरे को चेक करके आने लगे। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया गाइस। ये रहा हमारा पैकेज। ओके 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 ओके, रोलिंग एंड एक्शन। सबसे पहली बात, खुद में बात करना इज रियली डिफिकल्ट, इसलिए खुद से बात करता हूँ, खुद रोलिंग कैमरा एंड एक्शन बोलता हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन अ न्यू वीडियो ऑफ एमटी ब्राइडर अक्षत। पिछले वाले वीडियो ऑन एसासन दो एक्सीटी था, तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और जस्ट जिस दिन वो पार्सल डिलीवर हुआ था, उसके कुछ दिन बाद मैंने एक और चीज़ ऑर्डर किया था। दिस इज आई थिंक रियली गुड थिंग। वैसे आपको पता चल गया होगा, आपको थंबनेल में दिख गया होगा। तो दीज आर माई ब्रांड न्यू ब्रेक्स, एंड ये जो ब्रेक्स है इसको मैंने ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स पहले एक बाइक में लगा हुआ देखा था, और मेरे को उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। फिलहाल मेरी बाइक में ना XC500 में SRAM लेवल टी आता है। दोज आर रियली पावरफुल ब्रेक्स, बट जो हमारा ये शिमानो ड्यूर का ब्रेक्स है, इसका मॉड्यूलेशन इज एपिक, क्योंकि मैंने इसे पहले भी यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट ब्रेक है, वाला ब्रेक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस, एज वेल एज ये थोड़ा सा लाइट वेट भी है, तो इसलिए मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आज हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। अभी जाके लाइक करो, मैं वेट नहीं करूँगा भाई, अभी जाके लाइक करो, आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा। एंड वी हैव आवर सर्जिकल नाइफ, उससे हम लोग इसे अनबॉक्स करेंगे। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ये जो ब्रेक्स है ना, दीज आर प्रीटी एक्सपेंसिव ब्रेक्स। ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज़ का मेरे को ये ब्रेक मिला है। एंड अगर आपको भी चाहिए होगा, देन देर आर चांसेस कि मैं आपको किसी तरीके से प्रोवाइड करवा दूँ। एंड यू मस्ट हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे ही दिख रहा होगा, यहाँ पे ही दिख रहा होगा, मैं डाल दूँगा एडिटिंग में। और उसके बाद भाई आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप क्या करें यार, वॉच टाइम भी तो इम्पोर्टेंट होता है। फिलहाल इसे अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करना इस रियली सिंपल, वैसे अनरैप कर रहा हूँ, अनबॉक्स नहीं कर रहा हूँ। एंड बूम गाइस, हियर इज आवर ब्रांड न्यू हाइड्रोलिक ब्रेक्स फ्रॉम शिमानो। अगर मॉडल जानना है, सो दीज आर शिमानो M6100। बहुत ही दिनों के बाद मिला ये ब्रेक्स मेरे को। टू बी ऑनेस्ट, वैसे अगर आप मेरे को खुद इमेजिन करो, 2.5 ईयर्स पहले माई चैनल वॉज इन दैट बिग। ऑल्सो जो थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज होता है, उसके कारण जो बाइक पार्ट्स होता है उसके ऊपर मैं पैसे नहीं लगा सकता था। बट टुडे बिकॉज ऑफ यू गाइज, आई कैन परचेज दीज स्टफ्स। स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल। मेरा एक्साइटमेंट लेवल आपको दिख रहा होगा, क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑल्सो वैसे इसको इस इतने सुंदर से डिब्बे को खोलने के लिए ना, मेरे अभी अभी डी ए टी शर्ट चेंज किया है। जो लोग मिनी ब्लॉग देख के आ रहे होंगे उन्हें पता होगा मैं किसकी बात करूँ। सो दिस इज शिमानो हाइड्रोलिक ब्रेक्स, एंड ये रियर वाला है। दिस इज अ 700 mm होल्स। ओ माय गॉश, चेक दिस गाइस, अमेजिंग गाइस, बहुत बहुत प्यारा है। एंड बाय द वे, जिन्हें ये लग रहा है ये ब्रोकन वगैरह है, बट ये ब्रोकन नहीं है, ये हमारा ना आता है, ऐसे ही आता है, सो दैट हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग, जो बाइक का होस का लेंथ होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लें। सो अभी मैं इसे बाइक में इंस्टॉल करूँगा कुछ दिन बाद, उसका भी आपको वीडियो आएगा। दिस इज़ अ वीडियो ऑन अनबॉक्सिंग एंड द स्पेक शीट। सबसे पहले आपको बता दें, दिस इज़ अ टू पिस्टन ब्रेक होने के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है बिकॉज ऑफ द आई स्टेक कैलिपर। ये जो कैलिपर है बहुत जल्दी ठंडा होता है, जिसके कारण ब्रेक पैड्स हम लोग का हीटअप होके ब्रेकिंग ख़राब नहीं होने देता है। This was just the brake pad wall. And इसका closer look से आपको पता चल रहा होगा that how premium finish this is. अगर आपको basic brake purchase करनी है, then there is the best option Shimano MT200. उससे better आपको brake नहीं मिलेगा, for 4500 आपको मिल जाएगा, but this is quite expensive, but value for money है। MT200 is also good अगर आप entry level हो, अगर आप professional में हो, या फिर आपको
पसंद नहीं पा ज़्यादा पावरफुल ब्रेकिंग या फिर आप स्टैंड राइडिंग करते हो, देन यू कैन ऑब्वियसली चूज द शिमानो M6100. एंड इसके ऊपर भी मॉडल्स आते हैं लाइक द शिमानो SLX, देन वी हैव द ड्यूर XT, देन XTR. वो सब तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बट दिस इज़ ओनली विच आई कुड अफोर्ड. इसकी रोटर्स मेरे को परचेस करनी है, उसके बाद मैं अपग्रेड करूँगा अपनी बाइक को. द प्राइस आपने से बहुत सारे लोग पूछेंगे, यहाँ पे आपका MRP देख रहा होगा. दिस फ्रंट ब्रेक इज प्राइज्ड एट 6,670 एंड द रियर ब्रेक इज प्राइज्ड एट 7,030 rupees. कंबाइन करके देखें सो द टोटल इज अराउंड 12,000 to 13,000 something. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, थोड़ा सा मैथ्स कमज़ोर है मेरा. 12,000 to 13,000 एग्जैक्टली. एंड इतने पैसे लगा दिए भाई, वीडियो को लाइक तो कर देना. वैसे आपको इससे अमेजिंग कंटेंट्स मिलेगा फ्रील राइडिंग भी, जो हमारा काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा. ये ब्रेक्स मेरे हैं. सो दैट वाज टुडे फॉर द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन राइड हार्ड एंड राइड सेफ. बाय बाय.